प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है, जब नैमिषारण्य में शौनक आदि समस्त ऋषिगण एकत्रित होकर आपस में विचार कर रहे थे कि कलियुग में प्राणियों को अत्यंत दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के साथ अपनी टोली के साथ उस स्थान पर पधारे। सूत जी को आते देखकर ऋषिगण खड़े हो गए और सूत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उन्हें उत्तम आसन दिया, उनका चरण धुलाया, उनका यथोचित पूजन एवं सत्कार किया। फिर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, ऋषि पूछते हैं, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे महामुने, जिस व्रत अथवा तप के करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके, कृपा करके उस व्रत अथवा तप के बारे में हमें बतलाइए। इसके बारे में हमें जानने की प्रबल इच्छा हो रही है। ऋषियों की ऐसी प्रार्थना सुन करके सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं जो इस प्रकार की परोपकार की भावना मन में रखते हुए चिंतित हो रहे हैं। हे परोपकारी ऋषियों, जिस प्रकार से जन कल्याण की भावना से आप लोगों ने मुझसे यह बात पूछी है, इसी प्रकार से एक बार देवर्षि नारद जी ने भी कमलापति भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा था। कमलापति भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद जी को जो कुछ भी बतलाए थे, वही सब मैं आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूं। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कीजिए। एक समय देवर्षि नारद जी लोगों की कल्याण की कामना मन में लिए हुए विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। मृत्यु लोक में आकर नारद जी ने देखा कि प्राणी अपने कर्म फल के अनुसार पर नाना योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुख क्लेश भोग रहे हैं। यह देख करके नारद जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे इन प्राणियों के कष्ट दूर हो सकें। और ऐसा मन में विचार करते हुए नारद जी सीधे वहां से निकले और विष्णु लोक में जा करके पहुंचे। जब विष्णु लोक में जा करके वे देख रहे हैं, तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। वहां जाकर के नारद जी देख रहे हैं कि शुक्ल वर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके चार भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वर्णमाला सुशोभित है। भगवान नारायण का दर्शन करने के बाद नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषाम अधिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। नारद जी ने कहा, नारद जी ने स्तुति किया कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण तथा सकल कल्याण युक्त गुणों से संपन्न आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों एवं अपने भक्तों के क्लेश दूर करने वाले महाप्रभु को हमारा साष्टांग प्रणाम है। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर नारदम प्रत्यभाषत। इस प्रकार से नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुनने के बाद भगवान नारायण नारद जी से पूछते हैं, किमर्थमागतो असि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद, आपका आगमन बैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है?
आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप मुझसे कहिए, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि हे भगवान, अभी अभी मैं मृत्यु लोक से ही सीधे आपके पास आ रहा हूं। हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के अनुसार पर विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि मुझ पर आपकी कृपा है, तो कृपा करके वह सब उपाय कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर के भगवान बोले कि हे नारद, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बतलाने जा रहा हूं, एक ऐसे उपाय के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिस व्रत के करने मात्र से संसार के समस्त प्राणी मोह माया एवं पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। इससे संसार का कल्याण होगा। हे नारद जी, आपके स्नेह से वशीभूत होकर के मैं कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत बतलाने जा रहा हूं जो कि अखंड पुण्य प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में भी दुर्लभ है। यह व्रत भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह समस्त दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया। अरे वाह, कोई न कोई उपाय तो मिलने वाला है, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, कोई न कोई उपाय बताने वाले हैं। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद जी फिर से पूछते हैं, किम फलम किम विधानम च कृतम कैने तद्व्रतम। नारद जी क्या कह रहे हैं कि हे जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत को कब करना चाहिए, यह सब भी तो विस्तार पूर्वक बताइए, तब तो मैं मृत्यु लोक में जाकर के सबको बताऊंगा, तब तो वे लोग भी व्रत करेंगे। तब भगवान बोलते हैं कि हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, इसके अतिरिक्त सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। किसी भी दिन, जिस भी दिन श्रद्धा और भक्ति जाग जाए, उसी दिन श्रद्धा और भक्ति से समन्वित होकर सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों के सहित धर्म में तत्पर होकर भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत पूजन किया जा सकता है। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ एकत्रित करके भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, गौ दुग्ध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी अर्थात चावल का चूर्ण, शर्करा या गुड़, इन सबको मिला करके नैवेद्य बनाना चाहिए। समस्त भोज्य पदार्थों को सवाया मात्रा में एकत्रित करके भगवान को निवेदित करें। फिर बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण व्रत की कथा श्रवण करें, ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देवें, तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण भोजन करावें, भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत भजन एवं कीर्तन का आयोजन करें। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जावें। ऐसा करने से अर्थात भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय संपूर्णम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत वृद्ध ब्राह्मण एवं लकड़हारे की कथा कही गई है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको पूर्व काल में जिसने भी सत्यनारायण का व्रत किया है उसकी कथा विस्तार पूर्वक कहने जा रहा हूँ। आप लोग एकाग्र चित्त मन से इस कथा का श्रवण करें। काशी नामक सुंदर एवं रमणीय नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास किया करते थे।
वे ब्राह्मण देवता भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भिक्षाटन हेतु इधर उधर भ्रमण किया करते थे। उन दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान को उन पर दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अत्यंत प्रिय हैं। अब भगवान क्या किए कि खुद ही स्वयं ही एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए और उस दुखी ब्राह्मण के सम्मुख जाकर के खड़े हो गए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते रहते हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, वह सब कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्ते वै भ्रमे महिम उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षाटन हेतु दिन भर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता हूं, इसलिए हे प्रभु, यदि मेरी यह निर्धनता दूर करने का आपके पास कोई उपाय हो, आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं, सत्य नारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फल प्रदह तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतम उत्तमं यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सत्यनारायण भगवान विष्णु वांछित फल को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आप उन्हीं का व्रत तथा पूजन कीजिए। जो भी मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। अंत में वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को सारा पूजन का विधान बता करके वहीं परंतर ध्यान हो गए। इधर वे निर्धन ब्राह्मण सोच में पड़ गए कि वृद्ध ब्राह्मण ने बहुत अच्छा विधि बताया है, निश्चित रूप से इस विधान से, इस व्रत से, इस पूजन से मेरी निर्धनता तो दूर हो सकती है, लेकिन मैं वह करूंगा कैसे, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने के बाद भी कुटुंब का, परिवार का पेट नहीं भर पाता है, तो मैं यह व्रत कैसे करूंगा, धन कहां से लाऊंगा। इस चिंता में उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को रात भर निद्रा नहीं आई, निद्रा देवी उनके पास आई नहीं, वे रात भर सो ही नहीं पाए। जब प्रातःकाल उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ब्राह्मण अपने मन में यह संकल्प कर लिए कि आज दिन भर में जो भी प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके ब्राह्मण देवता भिक्षाटन के लिए घर से बाहर निकल गए। उस दिन भगवान ब्राह्मण के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि दिखाए कि उस ब्राह्मण को उस दिन प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। यह सच है कि जापर कृपा राम की हुई, तापर दया करें सब कोई। ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए कि सत्यनारायण स्वामी के पूजन के संकल्प मात्र से इतना प्रभाव है कि आज इतनी सारी धन संपत्ति प्राप्त हो गई, तो व्रत पूजन करने से तो निश्चित ही सत्यनारायण प्रभु की विशेष कृपा दृष्टि होगी। अब तो मैं सत्यनारायण प्रभु का विधि पूर्वक पूजन एवं व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार दिन भर की भिक्षा से जो भी धन प्राप्त हुआ था उसी धन से ब्राह्मण श्रेष्ठ ने बंधु बांधवों के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से वे ब्राह्मण श्रेष्ठ समस्त दुखों से मुक्त हो गए और सभी प्रकार की धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गए। तब से वे ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का यह व्रत करने लगे। इस प्रकार वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत का पूजन करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए, उन्हें दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रगण, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य उन ब्राह्मण श्रेष्ठ की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे उनके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। हे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान नारायण ने जो कुछ भी नारद जी से कहा है मैंने आप लोगों के सामने बतला दिया है। अब आगे और क्या कहूं, कुछ और सुनना चाहते हो तो पूछिए। ऋषिगण बोले कि हे महामुने, इस व्रत को उन ब्राह्मण श्रेष्ठ से सुनने के बाद किसने किया, यह भी तो बतला दीजिए, वह सब हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस व्रत के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा जागृत हो रही है। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों,
ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया है वह सब आप लोग सुनिए। एक बार वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार अपने बंधु बांधवों के सहित परिवारजनों के सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां पर आ गया, लकड़ी का गट्ठा घर के बाहर रखा और ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। वह भूख प्यास से पीड़ित था, भूख से व्याकुल था, प्यास से व्याकुल था और वह लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते देख करके उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र ने अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा कि बैठ जाओ, पूजन समाप्त कर लेता हूं, फिर आपको सब कुछ बता दूंगा। पूजन समाप्त करने के बाद लकड़हारे से सारी बातें बता देते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ लकड़हारे से कहते हैं कि यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी व्रत के प्रसाद स्वरूप ही मुझे यह समस्त धन धान्य प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर लकड़हारा गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, जल ग्रहण करके अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में लकड़हारा अपने मन में चिंतन करते हुए जा रहा था कि भगवान की कृपा ऐसी भी हो सकती है कि एक निर्धन ब्राह्मण संपत्तिवान हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। भगवान के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। और ऐसा विचार करते करते लकड़हारा भी अपने मन में एक संकल्प ले लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का यह उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करते हुए लकड़ी का गट्ठा सिर पर रख करके और वह वहां से चला गया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लेकर के ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। दूसरा चमत्कार यह भी हुआ कि जब लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखा और उस नगर की ओर जा रहा था तो साधारण सी लकड़ियां चंदन की लकड़ियों में परिवर्तित हो गईं। और उस दिन उस लकड़हारे के सिर पर रखी हुई लकड़ियों का दुगना धन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वह लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पके केले, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेकर अपने घर आया। घर पहुंचकर उसने बंधु बांधवों तथा ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारे को धन एवं पुत्र की प्राप्ति हुई और इस लोक में विभिन्न प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में वह सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयो अध्यायः। तृतीय अध्याय के अंतर्गत राजा उल्कामुख, साधु वैश्य, कलावती एवं लीलावती की कथा बताई गई है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, हे ऋषियों, अब मैं आगे की कथा कहने जा रहा हूं, आप लोग कृपा करके श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम के एक राजा निवास किया करते थे। वे जितेंद्रिय एवं सत्यवादी थे और प्रतिदिन देवालय में जाकर के, मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान देते थे, इतना दान देते थे कि वहां के समस्त ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुख राजा की पत्नी कमल के समान मुख वाली, शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा सती थी। एक दिन राजा उल्कामुख भद्रशीला नदी के तट पर अपनी पत्नी के साथ सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार करने के लिए नाव पर बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के उस स्थान पर आया। नौका को नदी के तट पर खड़ी करके साधु वैश्य राजा के समीप जाकर के देखा कि राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। साधु ने राजा से विनयपूर्वक पूछा, किमीदं कुरुषे राजन भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु ने कहा कि हे राजन, आप भक्तियुक्त चित्त से क्या कर रहे हैं?
कृपया वह सब विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। राजा बोलते हैं, पूजनम क्रियते साधु विष्णुर्तुल तेजसः व्रतम च स्वजनय सार्धम पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। राजा कहते हैं कि साधु, पुत्र की कामना से मैं अतुल तेज से संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात सत्यनारायण स्वामी का व्रत एवं पूजन कर रहा हूं, क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। पुत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पत्नी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य आदर पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि बतलाने की कृपा कीजिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतति नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को निश्चित रूप से करूंगा। साधु वैश्य के पूछने पर राजा उल्का मुख व्रत की संपूर्ण विधि साधु को बतला दिए। साधु वैश्य राजा से समस्त विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर में गया। साधु ने घर जाकर के अपनी पत्नी से व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि जब मुझे भी संतति की प्राप्ति होगी तब मैं भी यह व्रत अवश्य करूंगा। सत्यनारायण प्रभु साधु के इस संकल्प से प्रसन्न हो गए और एक दिन लीलावती सती आनंद चित्त होकर पति के साथ ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती भी हो गई। दसवें महीने में उसने एक कन्या रत्न को जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। नित्य प्रतिदिन चंद्रमा की कला के समान बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती अपने पति साधु से मधुर वचन में बोलती है, न करोषि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम। हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वह क्यों नहीं कर लेते हैं? साधु वैश्य ने कहा, विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतम प्रिये। साधु ने कहा कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लूंगा, क्योंकि अभी डिलीवरी हुई है, बहुत सारा खर्च हो गया है, अभी धन संपत्ति की कमी आ गई है, विवाह जब होने लगेगा उस समय सत्यनारायण का व्रत कर लिया जाएगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके साधु वैश्य व्यापार के लिए नगर की ओर चला। इधर कलावती कन्या भगवान की कृपा से कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु वैश्य कलावती कन्या को अपनी सखियों के साथ खेलते हुए देखा। उसके मन में विचार आया कि मेरी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है। उसने दूतों को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या को देखो, यह तो विवाह के योग्य हो गई है, अतः इसके लिए कोई सुंदर एवं श्रेष्ठ वर खोज लाओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत वर की तलाश करते हुए कांचन नगर तक पहुंच गए। उस नगर में दूतों ने एक वणिक पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। दूत उस वणिक पुत्र को ले आए। साधु उस वणिक पुत्र को सुंदर, स्वजाति और गुणों से संपन्न देखकर बंधु बांधवों के सहित अपने समाज के लोगों के साथ संतुष्ट चित्त होकर उस वणिक पुत्र के साथ विधि विधान से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उसके हाथों में अपनी कन्या का हाथ दे दिया। साधु ने अपनी कन्या का विवाह तो कर दिया, लेकिन कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश साधु वैश्य सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। यहीं से सारा माजरा खराब हो गया। विवाह के समय भी व्रत न करने पर भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात व्यापार में कुशल साधु काल की प्रेरणा से, समय की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए घर से निकला और समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में अपनी नौका खड़ी करके दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के राजा चंद्रकेतु थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके श्राप दिया कि हे साधु, तुम्हें दारुण कठिन तथा महान दुख प्राप्त होगा। एक दिन कुछ चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके भागे और भागते भागते वहीं पर आ पहुंचे जहां पर साधु विश्राम कर रहा था। चोरों ने देखा कि उनके पीछे सिपाही लगे हुए हैं, राजा के दूत उन्हें दौड़ाए पड़े हैं।
सिपाहियों को अपने पीछे दौड़ते देख करके चोर डर गए और सारा धन संपत्ति जो भी राजा के यहां से चुरा करके लाए थे वहीं पर रख दिए जहां पर साधु विश्राम कर रहा था, और चोर छिप गए। जब सिपाही वहां पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि राजा का सारा धन तो यहीं पर रखा हुआ है, मतलब यही दोनों चोर हैं। सिपाहियों ने साधु के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन यहीं रखा हुआ है। सिपाही उन दोनों बनियों को चोर समझ करके बांध करके राजा के समीप ले आए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने कहा कि हे राजन, हे प्रभु, हम दोनों चोरों को पकड़ करके ले आए हैं। आपका जो भी धन चुरा करके ले गए थे वह भी हम ले आए हैं। अब क्या आज्ञा है बताइए। राजा की आज्ञा से सिपाहियों ने दोनों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर महादुर्ग के कारागार में डाल दिया। सत्यदेव की माया से राजा ने उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनी और सारा धन संपत्ति भी छीन लिए। भगवान के श्राप से साधु को तो दंड मिला ही, लेकिन इधर साधु के घर में भी चोरी हो गई। घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा ले गए। इससे साधु की पत्नी और पुत्री को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। साधु की पत्नी लीलावती शारीरिक एवं मानसिक कष्ट से पीड़ित हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर अन्न की चिंता से घर घर भ्रमण करने लगी। कलावती कन्या भी भोजन हेतु प्रतिदिन इधर उधर भ्रमण करने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां जाकर के उसने देखा कि सत्यनारायण प्रभु का पूजन हो रहा है। कन्या उस ब्राह्मण के घर बैठकर कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने कष्टों को दूर करने का वरदान मांगी। इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करके बहुत रात बीत जाने पर अपने घर को वापस आई। और इधर माता लीलावती चिंतित हो रही थी कि इतनी रात बीत गए, मेरी कन्या कहाँ रुक गई है। माता लीलावती ने अपनी कन्या कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात्रो स्थिता कुत्र किम ते मनसि वर्तते। हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या विचार है? मैं तो चिंतित हो रही थी कि इतनी रात बीत गई, मेरी कन्या कहाँ है। माता की बात सुनकर के कलावती ने कहा कि माता, मैं सत्य कह रही हूं कि मैं एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने गई थी। ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। यह पूजन समस्त दुखों को दूर करने वाला एवं मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कथा सुनने के बाद मैं भी हमारे कष्टों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करके और प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। माता लीलावती अपने कन्या का वचन सुनकर के भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातःकाल होते ही कन्या से बोली, पुत्री, तुम पूजन की सामग्री एकत्रित करो, आज सत्यनारायण का पूजन करूंगी। साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आए तो फिर से आपका पूजन करूंगी, आपका व्रत करूंगी। इस प्रकार लीलावती के व्रत और पूजन से, उसकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में आकर के बोले कि हे राजन, प्रातःकाल उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त कर दो और उन दोनों का जो कुछ भी धन छीन लिए हो वह उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारे राज्य पुत्र और धन सहित नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में इस प्रकार कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा घबरा गए। राजा प्रातःकाल अपने विप्रजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से बतलाते हुए दूतों को आज्ञा दिए कि दोनों बड़िक पुत्रों को शीघ्र मुक्त कर दो और ले आओ। राजा की आज्ञा पाते ही दूतों ने कारागार में पड़े हुए दोनों बड़िक पुत्रों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने उपस्थित किया और विनयपूर्वक राजा से बोले कि हे राजन, हम दोनों बड़िक पुत्रों को बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। इसके बाद दोनों वड़िक पुत्रों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और अपना पूर्व वृत्तांत सोचकर भय से व्याकुल हो रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके मन में यह भय था कि इतने दिनों तक तो कारागार में थे, अब न जाने कौन सा दंड मिलने वाला है, क्यों बुलवाया गया है। राजा दोनों वड़िक पुत्रों को देख करके आदरपूर्वक बोले कि आप लोगों को प्रारब्धवश दैवी कारणों से यह महान दुख प्राप्त हुआ है।
इस समय आप लोगों को कोई भय नहीं है। इतना कहकर राजा दोनों बड़ी पुत्रों की बेड़ियां खुलवा दिए, उनका छौर कर्म करा दिए। तत्पश्चात राजा उन दोनों बड़ी पुत्रों को वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित करके अपने पास बुलाए और मीठे वचनों से राजा ने उन दोनों बड़ी पुत्रों को संतुष्ट किया। पहले उनका जो भी धन ले लिए थे उसका दुगुना धन उन्हें दिए तथा अंत में राजा ने उन दोनों बड़ी पुत्रों से कहा, हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान कर सकते हो, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। राजा की आज्ञा पाकर बड़ी पुत्रों ने कहा कि अब आपका आदेश है तो हम घर की ओर जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय संपूर्णम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत असत्य वचन तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम बताया गया है। सूत जी ऋषियों से बोलते हैं कि हे ऋषिगणों, साधु वैश्य यात्रा से पूर्व मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को धन देकर के अपने रत्नपुर नामक नगर की ओर प्रस्थान किया। साधु कुछ दूर ही गया था तभी भगवान के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि साधु की परीक्षा लेकर देखा जाए इसका हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। ऐसा विचार करके भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु के पास जा पहुंचे और पूछने लगे, साधो किमस्तितौ नौ स्थितम्, हे साधु तुम्हारी नौका में क्या रखा हुआ है। धन के मद में चूर दोनों बड़ी पुत्रों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए उत्तर दिया, कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्राम ने तो किमच्छसि लता पत्रादिकम चय वर्तते तरणोमम। हे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की तुम्हारी इच्छा है। हमारी नौका में इस समय कुछ नहीं है, लता पात्र भरा हुआ है। बड़िक पुत्रों का ऐसा कठोर वचन सुनकर के दंडी स्वामी का तो माथा ही खराब हो गया, मूड खराब हो गया। दंडी स्वामी बोले, जो भगवान रूपधारी दंडी स्वामी थे, बोले सत्यम भवतु ते वचः, हे साधु तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। इस तरह कहकर दंडी महाराज उस स्थान पर से चले गए और सागर के किनारे जाकर के चुपचाप बैठ गए और बढ़िया मजे से देख रहे हैं, जो भी घटना घटित होने वाली है उसका आनंद उठाने वाले हैं। दंडी महाराज के चले जाने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के साधु नौका के पास आया, नौका को उतराया हुआ देखा, विस्मय में पड़ गया, नौका कैसे उतराई है। जब उसने नौका पर चढ़ करके देखा तो हीरे जवाहरात के स्थान पर लता पत्र भरा हुआ था। साधु मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, होश आने पर अत्यंत चिंतित हुआ। तब साधु के दामाद ने कहा, पिताश्री आप शोक चिंता क्यों करते हैं, आपको उन्हीं दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, वे कुछ भी कर सकते हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं, अतः दंडी स्वामी के शरण में चलिए, उन्हीं से जाकर के क्षमा मांगिए, वे ही हमारे कष्ट को दूर करेंगे, वे ही हमारे मन की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, उनसे आदर पूर्वक बोलने लगा, क्षमस्व चापराधम मे यदुक्तम तव सन्निधौ, हे प्रभु मैंने आपके सम्मुख झूठ बोला था, अपराध किया था, उसे क्षमा कर दीजिए। साधु इस प्रकार कहते हुए बारंबार प्रणाम करने लगा, बारंबार दंडवत करने लगा, महाशोक से विह्वल हो गया, रुदन करने लगा। दंडी स्वामी बोले, मा रोधि श्रृणु मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम मुहुर्मुहु। हे साधु रो मत, तुमने पूजा करने का संकल्प किया था, याद करो, उसी संकल्प को पूरा नहीं किया है, अभी तक तुमने पूजन नहीं किया है, इसलिए हे मूर्ख मेरी ही आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। दंडी रूपधारी भगवान का कथन सुनकर साधु उनकी स्तुति करने लगा। साधु की स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। साधु ने भगवान की कैसी स्तुति की,
त्वन्माया मोहिताः सर्वे ब्रह्मदास्त्री दिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाशर्मिदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्त्वयमायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभविस्तरयः पुरावित्तं ततः सर्वं त्राहि मां शरणागतम्। स्तुति करते हुए साधु उनसे बोलने लगा कि हे भगवन्, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता भी मोहित हैं और वे भी आपके अद्भुत रूप तथा गुण से अनभिज्ञ हैं। फिर मैं तो एक मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपकी माया से मोहित हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा अपराध क्षमा करें प्रभु। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजन अवश्य करूँगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरणागति कर दी उसने। अतः मेरा पूर्व धन मुझे लौटा दीजिए, मेरे पूर्व धन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त बातें सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। दंडी स्वामी रूपधारी भगवान हरि साधु को वांछित फल देकर, वांछित वरदान देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद साधु अपनी नौका में आकर के देखा तो धन धान से परिपूर्ण था, प्रसन्न हो गया। साधु ने स्वजनों से कहा, भगवान सत्यदेव की कृपा से मुझे वांछित फल की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात वह साधु वैश्य स्वजनों के सहित उसी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से अत्यंत हर्ष के साथ अपनी नौका और धन संपत्ति संभाल कर वह अपने देश के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो दामाद जी से बोला, दामाद जी देखिए अपनी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है, कितने दिनों के बाद हम अपनी नगरी को देख रहे हैं। इस प्रकार कहकर उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को अपने आगमन की सूचना देने के लिए अपने घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उसने प्रिय वचन से बोला कि हे सेठानी जी, आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर के उस पतिव्रता स्त्री के मन में कौतूहल मच गया। वह आनंद से विभोर हो गई, प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई और अपनी कन्या से बोली, तुम सत्यनारायण का पूजन करके शीघ्र आना, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूं। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई और कलावती ने अपनी माता की इस तरह की बात सुनकर के शीघ्र ही सत्यदेव का पूजन समाप्त किया और भगवान के प्रसाद का परित्याग करके कलावती कन्या भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। यहां भी गड़बड़ हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रसाद का उसने परित्याग किया, साधु की कन्या ने प्रसाद का परित्याग किया, इसी का दंड उसे भोगना पड़ा। प्रसाद का परित्याग कर देने से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति एवं धन के सहित नौका को जल में डुबा दिया, जा सब कुछ समाप्त। जब कलावती कन्या वहां पर पहुंची तो अपने पति को नहीं देख सकी और महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इस तरह नौका के अदृश्य हो जाने तथा अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देख करके साधु वैश्य भी भयभीत मन से सोचने लगा कि यह कैसा आश्चर्य है। नौका चलाने वाले मल्लाह भी चिंतित हो गए। इधर लीलावती भी अपनी कन्या को विलाप करती हुई देख कर दुखी हो गई और वह भी विलाप करते हुए पति से बोली, हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई, न जाने किस देवी देवता की अवहेलना से वह नौका हरण कर ली गई है। यदि ऐसा नहीं है तो कहीं सत्यनारायण प्रभु के क्रोध से तो ऐसा नहीं हो गया, क्योंकि उनका महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहते हुए वह साध्वी स्वजनों के साथ विलाप करने लगी। फिर कन्या कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने से अत्यंत दुखी हो गई और मन में विचार करने लगी कि जब पति देव ही नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, अब मेरा जीवित रहना भी सर्वथा व्यर्थ है। इस तरह मन में सोचकर कलावती घर गई और पति की खड़ाऊ लेकर के आई और पति के साथ ही सती होने का निश्चय कर ली।
कन्या का इस तरह बर्ताव देख करके, इस तरह का आचरण देख करके साधु एवं उसकी पत्नी शोक से अत्यंत दुखी हो गए और दोनों सोचने लगे, या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद एवं धन संपत्ति के साथ नौका का हरण कर लिया है, अथवा हम सब उन्हीं की माया से भ्रमित हो रहे हैं जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तत्पश्चात साधु ने सबको एकत्रित किया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि यदि सत्यनारायण स्वामी मेरा कष्ट दूर कर दें तो मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार पर उनका पूजन अवश्य करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर के वे मुझे कष्ट दिया करते हैं और वे ही मेरा कष्ट हरण भी किया करते हैं, मेरे कष्टों को दूर भी किया करते हैं। अभी भी मैं उन्हीं के शरण में हूं। साधु ने फिर से शरणागति की। साधु कह रहा है कि अभी भी मैं उन्हीं की शरण में हूं, सत्यदेव की ही शरण में हूं और वही मेरा कष्ट दूर करेंगे। ऐसा कहते हुए वह वैश्य भगवान सत्यदेव को बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगा। कैसी प्रार्थना किया? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारे जो मुलजिम न होते, न तुम होते हाकिम न घर घर में होती, इबादत तुम्हारे प्रभो मुझसे गलते जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। साधु की प्रार्थना से दीनों के परिपालक प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई, क्षिप्रम तदा गृहं गत्वा प्रसाद च बुभोज सा, पश्चात सा पुनरागत ददर्श स्वजनं पतिम। हे साधु, तुम्हारी कन्या प्रसाद का परित्याग करके अपने पति के दर्शन हेतु चली आई है, इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह कन्या घर जाए, प्रसाद ग्रहण करे और पुनः आए तो तुम्हारी कन्या को उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। कन्या कलावती गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर गई और प्रसाद ग्रहण की। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुनः जब उस स्थान पर वापस आई तो स्वजनों के सहित अपने पति का दर्शन लाभ प्राप्त की। तब कन्या ने पिताजी से कहा कि पिताजी अब विलंब क्यों कर रहे हैं, अब घर को चलिए। कन्या की बात सुनकर के वणिक पुत्र संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों सहित आनंद चित्त होकर के अपने घर को प्रस्थान किया। इसके पश्चात वह प्रत्येक पूर्णिमा तथा पर्वों के अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस प्रकार से व्रत के प्रभाव से साधु वैश्य इस लोक में सुख को भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय संपूर्णम्। बोलिया वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचमो अध्यायः। पंचम अध्याय के अंतर्गत राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा बताई गई है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तुंगध्वज नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और सदैव प्रजापालन में तत्पर रहता था। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान दुख को प्राप्त हुआ था। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया, शिकार खेलने के लिए गया। वन में जाकर के बहुत सारे जंगली जानवरों को, वन्य प्राणियों को मारा, उनका शिकार किया। शिकार खेलने के बाद वह अपने घर की ओर प्रस्थान किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे थकान लगी, उसे एक वट का वृक्ष मिला, वट वृक्ष के नीचे वह विश्राम किया। वहाँ पर उसने देखा कि बहुत से गोपगण
बंधु बांधवों सहित संतुष्ट चित्त होकर के भक्तिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। यह देख करके भी राजा अहंकारवश न तो उस स्थान पर गया और न तो दूर से ही भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया, चलिए वहां तक नहीं गया। ठीक बात है, दूर में बैठे बैठे भी सत्यनारायण महाप्रभु को प्रणाम करना था, लेकिन वह भी नहीं किया। तत्पश्चात गोपगणों ने पूजन समाप्त करके भगवान सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप ले जा करके उसे दिए और अपने स्थान पर लौट आए। और अपने स्थान पर लौटने के बाद गोपगणों ने इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन राजा ने प्रसाद का परित्याग किया। राजा प्रसाद ग्रहण नहीं किया, प्रसाद को वहीं पर छोड़ करके राजा चला गया। प्रसाद का परित्याग कर देने के कारण उस राजा को अत्यंत दुख हुआ। यहां पर मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कभी भी प्रसाद का परित्याग नहीं करना चाहिए, और सिर्फ सत्यनारायण महाप्रभु का ही नहीं, किसी भी देवी देवता का प्रसाद यदि आपको कोई भी भक्त ला करके देता है उसे श्रद्धापूर्वक लीजिए और ग्रहण कीजिए। और अकेले भी ग्रहण मत कीजिए, आपके आसपास जितने लोग हैं सबको बांट कर ग्रहण कीजिए। वहां नहीं बांट सकते तो उस प्रसाद को लेकर के अपने घर जाइए, घर में जितने भी सदस्य हैं सबको थोड़ा थोड़ा भले ही एक चुटकी आए, एक व्यक्ति के हिस्से में भले ही एक चुटकी आए, उस प्रसाद को बांटिए और सब लोग मिल करके उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कभी भी प्रसाद का परित्याग नहीं करना चाहिए। वह जिस भी देवी देवता से संबंधित प्रसाद होता है उस देवी देवता का अपमान होता है, उनका शाप मिलता है, इसलिए कभी भी प्रसाद का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रसाद के परित्याग कर देने के कारण उस राजा को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। राजा के 100 पुत्र थे, 100 के 100 मृत्यु को प्राप्त हो गए, सारे पुत्र नष्ट हो गए, राजा का संपूर्ण धन धान्य नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया, निश्चित रूप से भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करने से ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। इस प्रकार सोच करके राजा शीघ्र ही उसी स्थान पर गया जहां पर गोपगण भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गोपगणों के साथ श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुनः पुत्र तथा धन धान्य की प्राप्ति हुई और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूजी बोले कि हे ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा भगवान सत्यनारायण की पुण्यमयी तथा फलदायिनी कथा का श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद स्वरूप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। निर्धन मनुष्य धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है, भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में वांछित फल को भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ को जाता है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को सत्यनारायण व्रत के बारे में बतलाया, जिसके करने से मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फल प्रदा केचित कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च। इस कलियुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा ही विशेष फल प्रदान करने वाली है। सिद्ध मनोरथ हो तो सदा व्रत पूजन करता जो न रहे, अति निर्धन हो धनवान महा निर्भय बन जात भयातुर है। युत बंधन बंधन हीन बने तरिजात महादुख सागर है। सत्यदेव की पूजा इस कलयुग में निश्चय सुख संपत्ति का घर है, निश्चय ही सुख संपत्ति का घर है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कलयुग में कोई काल कहेंगे, कोई ईश कहेंगे, कोई सत्य कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे तथा कोई सत्यदेव के नाम से जानेंगे। भगवान सत्यदेव प्रभु अनेक प्रकार के अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ सिद्ध करते हैं। इस कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत का रूप धारण करके सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को नित्य पढ़ता है या सुनता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का पूजन किया था उनके दूसरे जन्म का वृत्तांत कह रहा हूं, आप लोग सुने।
महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण श्री सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की ध्यान एवं भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़हारा भिल श्री सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में गुहों का राजा निषाद राज हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करके उनकी कृपा से भवसागर को पार हो गया, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके अंत में वैकुंठ धाम को गए। इसी प्रकार साधु वैश्य भी श्री सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में धार्मिक तथा सत्यसंध मूरध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से चीरकर ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया और मोक्ष प्राप्त किया। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, यह कैसा आश्चर्य है कि राजा मूरध्वज ने अपने ही पुत्र को आरे से चीर दिया। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि राजा मूरध्वज बहुत ही सत्यवादी बनता है, चहुं दिशा में इसका यश फैल रहा है, यह वाकई में सत्यवादी है भी या ढोंग कर रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके राजा के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ रस्सी से बंधा हुआ एक सिंह भी था। राजा ने ब्राह्मण को देख करके प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले कि हे राजन, मेरा सिंह भूखा है, इसे भोजन चाहिए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका सिंह क्या खाएगा? वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह आपके इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का ही मांस खाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आप पति पत्नी मिलकर आरे से अपने पुत्र को बीचों बीच चीरोगे और दाहिना अंग शेर के सामने रख दोगे, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि आरे से चीरते समय आपके आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। राजा ने कहा, शर्त मंजूर है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं शर्त के अनुसार अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूं। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहते थे, परंतु आरे से चीरते समय लड़के के बाएं आंख से आंसू निकल गया। ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, आंसू आ गया, अब मेरा सिंह से नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिने अंग को था ना, फिर क्यों नहीं खाएगा? बाएं अंग को तो इस बात का दुख है कि यह ऐसा पतित है कि उसे ग्रहण नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस बाएं आंख से आंसू आ गया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा को दर्शन देकर अंत में वैकुंठ धाम में स्थान दिए। महाराज तुंगध्वज भी सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए और भागवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। जो गोपगण थे सभी श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और भगवान श्री कृष्ण के साथ खेले, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर के राक्षसों का संहार किए और समस्त गोपगणों ने अंत में शाश्वत गोलोक धाम को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय संपूर्णम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण महाप्रभु की जय। राजा रामचंद्र की जय। हनुमत लाल की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नगर बस्ती की जय। श्रोता वक्ता की जय।